छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का यह आंदोलन अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार सहित उन सभी सेलिब्रिटीज से सवाल पूछता है जो लक्षद्वीप की कुदरती सुंदरता पर तो प्यार दिखाते हैं लेकिन हसदेव के जंगलों की कटाई पर चुप हो जाते हैं। हसदेव बचाओ आंदोलन देश की मीडिया से भी सवाल पूछता है कि आदिवासियों के जीवन का क्या हमारे देश की मीडिया के लिए कोई मोल नहीं है, जहां अडानी के प्रोजेक्ट के लिए जंगल की कटाई की जा रही है, आंदोलन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और देश की मीडिया खामोश है। वरिष्ठ पत्रकार हृदेश जोशी लक्षद्वीप और हसदेव के जंगलों की तुलना करते हुए कहते हैं, क्या हमें लक्षद्वीप से वाकई प्यार है या ये हमारा पाखंड मात्र है? हम इतना आंदोलित होते नहीं दिखते जब संवेदनशील हिमालय को तोड़ा जाता है या हसदेव अरण्य जैसे अनमोल जंगल की हत्या की जाती है। पश्चिमी तट पर हमें खिलखिलाता लक्षद्वीप दिखाया जा रहा है लेकिन पूर्वी तट के आगे अंडमान निकोबार द्वीप में 72,000 करोड़ के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट लाकर उसकी दुर्लभ जैव विविधता को नष्ट करने की तैयारी है। हजारों ग्लेशियरों और हरियाली से भरपूर या 7,500 किलोमीटर की तटरेखा वाले इस देश के नागरिक तब अपने अभिमान के लिए इतना आंदोलित होते क्यों नहीं दिखते जब संवेदनशील हिमालय को तोड़ा जाता है या बहुमूल्य हसदेव अरण्य जैसे अनमोल जंगल की हत्या की जाती है और वहां रह रहे मूल निवासियों और आदिवासियों को उजाड़ा जाता है। हम तब परेशान क्यों नहीं होते जब हमारे मैंग्रोव तबाह किए जाते हैं या शहरों का सीवरेज पवित्र नदियों में छोड़ा जाता है। संयोगवश इस समय हमारे जंगल, झरने, समुद्र तट और हिमालय क्षेत्र ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोग भी संकट में हैं। एक बड़ा खतरा पूर्वी तटों पर है जहाँ अंडमान निकोबार द्वीप पर करीब 72,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाकर इस संवेदनशील क्षेत्र को हांगकांग, सिंगापुर और दुबई बनाने की योजना है। इस कृत्रिम अभिमान और उत्तेजना ने प्रकृति से प्रेम या भारत की अस्मिता के लिए अभिमान जितना भी दिखाया हो लेकिन एक सुविधाभोगी समाज की पाखंडी प्रवृत्ति और दूरदृष्टिहीनता को अवश्य उजागर किया है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल बचाने के लिए आदिवासियों की लड़ाई को जिस तरह मीडिया ने बॉयकॉट किया है और सभी लोग खामोश हैं वो दिखाता है कि सत्ता और मीडिया का गठबंधन असल खबरों से दूरी कैसे बनाए रखता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री चीतों के लिए प्यार दिखाते हैं, दूसरी तरफ हसदेव के जंगलों की कटाई से हाथियों की जिंदगी संकट में आ रही है क्योंकि हसदेव के जंगलों में भारी संख्या में हाथी रहते हैं। लेकिन अडानी के कोल प्रोजेक्ट का मामला है तो आदिवासी अपने संघर्ष में अकेले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सत्ता, मीडिया और सेलिब्रिटीज सब देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। आप हसदेव के जंगलों की कटाई और आंदोलन को इस तरह अनदेखा करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।